वहीं ये मुस्लिम बहनें जब श्री सियाराम के लिए इसे गाने गा रही हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरे राजा सियाराम, मेरे मन में बसे हैं, मेरे तन में बसे हैं। मुस्लिम बहनें और या मुस्लिम कोई लड़की इस तरह से राम जी के लिए गाना गा रही हो, ये भारत में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। जय 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 साहिना खातून नाम है, हनुमान जी का भजन गाती हैं, जय 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 हनुमान गुसाई। तो कभी कोई रोका नहीं कि ये मुस्लिम धर्म की बच्चियां हो तो तुम जो है काहे हिंदू देवी देवताओं के गाना गाते हो? जी नहीं, कोई नहीं रुका है। जब माँ बाप पीछे खड़े हैं तो दुनिया रुकेगा तो रुकने से क्या फायदा, हम अपना तो चलते रहेंगे। ये दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। संजीदा खातून, साहिना खातून, नैन्सी प्रवीण और साहिस्ता प्रवीण, ये चार बहनें हैं और चारों से आप अभी हनुमान जी का भजन सुन रहे थे। धार्मिक एकता का सबसे बड़ा मिसाल, और वही इसीलिए तो कहते हैं अपना देश महान है। यहाँ चार मुस्लिम बहनें, क्या नाम है आपका? साहिस्ता प्रवीण। साहिना खातून। संचिता खातून। नैन्सी प्रवीण। ये चारों शानदार भक्ति गाने गाते हैं, और ऐसे गाने जिसको आप सुने तो लगे इसके पीछे में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये शानदार गाने गाती है और वो गाती रहे और हम सुनते रहे। बिना देर की आपको सिर्फ तांडव सुनवाते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जटाकटाह संभ्रमन भ्रमन लिम्पनिर झरे विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षणम नमा। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया। उसके बुझाए बदले कथाए, भागीरथ तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस पुरत गंध संतति प्रमोद मान मान से। कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्धरापति पचि दिगंबरे मनो विनोद जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फनामणि प्रभ कदंब कुंकुम द्रव प्रलित दैव धूमुखे। मदान सिंधुर स्फुरत गुप्त मेधुरे मनो विनोद अमृत विभर्तु भूत भर्तरी। चारों का एक साथ लगता है ऐसे कि कोई रिकॉर्डेड सिस्टम हो और एक साथ प्ले किया और बजने लगा, तो इतना तारतम्य कैसे है सबका, आपस में कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? सर एक्चुअली में कि हम फर्स्ट में तो इसको हम ही गाए हैं, सब प्रैक्टिस तो हम लोग सब मिलके ही किए हैं, तो एक्चुअली में हम गाते थे तो ये लोग को ईजी भी लगने लगा, तो ये लोग भी मेरे साथ में गाता रहा लोग। तो जब सुनील भैया बोले एक साथ में इसको करना है, तो एक दिन में ही सब हम लोग प्रैक्टिस कर लिए लोग सब मिल के, तो ऐसे हो गया। तो सब अलग अलग क्लास में पढ़ती है, ट्वेल्थ में, एट में, सबसे बड़ी बात तो ये क्लास टू में पढ़ती हैं, और इसको पूरा शिव तांडव याद है। और एकदम जब शुरू हुआ तो हम लोग को लगा कि ये चलता रहे। तो कभी परफॉर्म करने भी कहीं जाती हैं आप लोग या फिर खुद प्रैक्टिस ही कर रही हैं? अभी कोई शो हुआ नहीं, हम लोग बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, हमारे गांव में भी बहुत सारा परफॉर्मेंस होता रहता है, एसएसबी कैंप, पूजा प्रोग्राम होता है, और मैं एक क्या बोलते हैं वो डिफरेंटली स्पेशल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी बहुत जगह जाने का मौका मिलता है। देही हरो हनुमान महा
महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोरे गरीबों को जो तुम से नहीं जात है तारो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। साहिना खातून नाम है, हनुमान जी का भजन गाती हैं, जय 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 हनुमान गुसाई। तो कभी कोई रोका नहीं कि ये मुस्लिम धर्म की बच्चियां हो तो तुम जो है काहे हिंदू देवी देवताओं के गाना गाते हो? जी नहीं, कोई नहीं रुका है। जब माँ बाप पीछे खड़े हैं तो दुनिया रुकेगा तो रुकने से क्या फ़ायदा, हम अपना तो चलते रहेंगे, बस इतना ही। देखिए यही भारत है, रियल भारत यही है जहाँ हर धर्म के लोगों का समागम है और हर धर्म के लोगों का को बराबरी का अधिकार है और हर कोई हर चीज़ें कर सकता। तभी तो साहिना खातून हनुमान जी का भजन गा रही हैं और ये चारों बहनें मिल करके शिव तांडव गाती हैं। इसके अलावा और भी भजनें गाती हैं क्या आप लोग? जी हाँ। और कौन सा भजन सबसे अच्छा था जो जिसको लोग खूब पसंद करते हैं, एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो भी हो जाए? रियली बेहतरीन, और कहे तो जितना गाना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही बेहतरीन गाने आ रहे हैं सामने से। तो हम तो हमारे पास जो है ना क्वेश्चन ही मैं भूल जा रहा हूँ कि पूछूँ क्या आप लोगों से। ये इतना ज़्यादा जो है क्लियर, कहीं कोई वर्ड में गलती नहीं और इतना ज़्यादा सधा हुआ जो वॉइस निकलता है, कितना देर प्रैक्टिस करती हैं आप लोग घर में? प्रैक्टिस बहुत ही कम ही करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले तो वो होता है ना कि आपके अंदर अगर उस चीज़ को करने की चाह है तो वो ऐसे ही हो जाता है, अगर चाह नहीं है तो हम उसको कर नहीं पाते हैं। मजबूत इच्छा है। जी बिल्कुल। तो समझ लीजिए देश में जहाँ धार्मिक उम्दान उठा रहे हैं लोग, एक दूसरे से लड़ते हैं, वहीं ये मुस्लिम बहनें जब श्री सियाराम के लिए इसे गाने गा रही हैं तो आप क्या कहेंगे? ये धार्मिक एकता का सबसे बड़ा मिसाल है जहाँ ये हनुमान जी की भजन और राम जी की महिमा गा रही हैं। और क्या राम पर और कोई भजन आता है क्या आप लोगों को? हे रूम रूम में बसने वाले राम, हे रूम रूम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी
तेरे यामी मैं तुझे से क्या मांगूं, मैं तुझे से क्या मांगूं, हे रूम रूम में बसने वाले राम, भी तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भी तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझे से क्या मांगूं, मैं तुझे से क्या मांगूं, हे रूम रूम में बसने वाले राम। मुस्लिम बहने और या मुस्लिम कोई लड़की इस तरह से राम जी के लिए गाना गा रही हो, ये भारत में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। बाकी आप लोग बॉलीवुड के भी गाने गाते हैं जी। कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी गाना गाने के अलावा इतना शानदार गाती हैं, पढ़ती कितना देर है ये बताइए? पढ़ाई भी उतना देर नहीं करती है, दोनों सेम ही होता है, मतलब सेम ही चलता है। म्यूजिक 2-3 घंटा होता है और पढ़ाई भी है, तो वैसे ही दोनों को मेंटेन करते हैं लोग। पढ़ाई जब म्यूजिक करते हैं लोग तो हाँ ऑब्वियसली उसको ध्यान देते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पढ़ाई में, लेकिन उसको भी मेंटेन करते हैं लोग। बाकी आप सब चारों मिल करके कोई और गाना जो खूब बेहतर गाते हो? हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। संजीदा खातून, साहिना खातून, नैन्सी प्रवीण और साहिस्ता प्रवीण, ये चार बहनें हैं और चारों से आप अभी हनुमान जी का भजन सुन रहे थे। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा उदाहरण है धार्मिक एकता का, जहाँ ये चारों मुस्लिम बहनें भक्ति गाने इस तरह से गाती हैं कि जैसे आप सुने तो सुन करके आप रुक नहीं पाए, सुनते ही रहें। बाकी इन लोगों का YouTube पर भी या सोशल मीडिया पर भी इनका चैनल है, क्या नाम है चैनल का? हमारे चैनल का नाम है प्रवीण सिस्टर्स, और वो चैनल पर आप लोग जाकर हमारे ढेर सारे गानों को सुन सकते हैं। हाँ, जो गाने आप अभी सुन रहे थे ना, इस तरह के गाने उस प्रवीण सिस्टर्स चैनल्स पर आ जाएगा फेसबुक और यूट्यूब पर, आप वहाँ भी जुड़िए। हम तो आज आपको सुनवा है, ये रोज़ उस पर कोई ना कोई वीडियो डालेंगी जो आप तक पहुँचेगा और सीधा आपको प्रेरित करता रहेगा कि ये देश सच में धार्मिक एकता का सबसे बड़ा मिसाल है और ये चारों बहनें उसका सबसे बड़ा मैसेज है।